तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना जरूरी है कि आपकी वीडियो कितने लोगों तक जा रही है, आपका इंप्रेशन कितने लोगों तक जा रहा है। मान लीजिए आपके वीडियो का इंप्रेशन 100 लोगों तक गया, अब उसमें से कितने परसेंट लोगों ने आपके वीडियो को देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वीक में मैंने डाला 11,000 ही व्यूज गया, तो आखिर ये व्यूज कम क्यों गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूज नॉर्मल दिखा रहा है, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट कम दिखा रहा है, डाउन दिखा रहा है। तो इस वीडियो पे व्यूज ना जाने का मेन कारण क्या है, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि थंबनेल पे क्लिक नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि हमारा थंबनेल यहाँ पे अच्छा नहीं है इस वीडियो का। दोस्तों YouTube पे वीडियो अपलोड करने के बाद इस बात से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरे वीडियो पे तो व्यूज ही नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात कोई भी पता लगाने की कोशिश नहीं करता कि आखिर मेरी वीडियो में, मेरे टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग में ऐसी क्या कमी है जिससे कि और लोगों की तो वीडियो वायरल हो रही है, मेरे वीडियो पे ही व्यूज नहीं जा रहे हैं। और दोस्तों ये बात आपको YT स्टूडियो में पता चलती है, जिसे आप सब क्रिएटर स्टूडियो भी कहते हैं। वो खुद आपको बताता है कि आपकी वीडियो में क्या कमी है, आपके वीडियो के टाइटल में क्या कमी है, डिस्क्रिप्शन में क्या कमी है, थंबनेल में क्या कमी है, ये सारी चीजें आपको YT स्टूडियो में बताई जाती हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को YT स्टूडियो में देखने ही नहीं आता है कि आखिर हमारी वीडियो में क्या कमी है, क्योंकि अगर आपको कमी जिस चीज की पता चल जाएगी उसमें तो आप आसानी से सफल हो ही जाएंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप YT स्टूडियो में कैसे इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपकी वीडियो पे आखिर व्यूज क्यों नहीं जा रहे हैं, आप ही की वीडियो क्यों नहीं वायरल हो रही है, बाकी पूरी दुनिया में लोगों की वीडियो वायरल हो रही है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। अभी दोस्तों मैं अपने ही क्रिएटर स्टूडियो में आपको दिखाता हूं ओपन करके कि आखिर क्या ऐसी बात होती है जिससे कि हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं जा रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, आपको मैं छोटी छोटी चीजें समझाने वाला हूं जो कि आपको बड़ा बना सकती है, आपको आसानी से यूट्यूब पे सक्सेस करा सकती है। यहाँ पे देखिए, मैं भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ, यहाँ पे एक दिन में 20,000 व्यू गए हैं, 2 दिन में 4,000 गए हैं, 10 दिन में 24,000 गए हैं, 2 दिन में 16,000, 2 वीक में 11,000। अब दोस्तों बहुत सारी ऐसी वीडियो होती है जिसपे कम व्यूज जाते हैं और किसी किसी वीडियो पे ज्यादा भी व्यूज जाते हैं, ये हर चैनल पे होता है, ऐसा कोई भी चैनल नहीं है कि कम ज्यादा व्यूज नहीं जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे फैक्ट बताने वाला हूँ कि आखिर कोई वीडियो वायरल होती है तो क्यों होती है, और कोई वीडियो पे अगर व्यूज नहीं जाता है तो क्यों नहीं जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये जो वीडियो है अभी मैंने एक दिन पहले डाला है, और ये वीडियो किस तरीके से वायरल हो रही है। देखिए इस वीडियो पे हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे रैंकिंग बाय व्यूज दिखाया जा रहा है। अब इस वीडियो पे अभी 20,600 व्यूज गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट। अब आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप YouTube को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे जब आप YouTube पे स्क्रॉल करते हैं तो ये इंप्रेशन होता है, ये जितनी भी वीडियो आपके सामने आती है इस पे इंप्रेशन होता है, और अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट बन जाता है। मतलब कि यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आपके वीडियो पे इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट कितना जा रहा है, मतलब अगर यूट्यूब पे कोई इस तरीके से आपके वीडियो को स्क्रॉल कर रहा है तो उस पर कितने परसेंट लोग क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने परसेंट लोग कर रहे हैं, 11.3% लोग जो है मेरे वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं 100% में से। अब यहाँ पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन, वीडियो कितने मिनट की है, वीडियो है 10 मिनट 32 सेकंड की, जिसमें कि 2 मिनट 52 सेकंड यहाँ पे देखा जा रहा है। अब दोस्तों ये तो हो गई व्यूज की बात कि 20,000 व्यूज मेरे वीडियो पे गए, लेकिन कितने ज्यादा लोगों तक रीच गया, कितने ज्यादा लोगों तक इंप्रेशन गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,61,900 लोगों तक वीडियो गई इस तरीके से। ये देख सकते हैं जिस तरीके से YouTube पे हमारे सामने वीडियो आता है, इस तरीके से 1,61,000 लोगों तक गया, लेकिन यहाँ पे वीडियो कितने सारे लोगों ने देखा, मात्र और मात्र 20,000 लोगों ने ही वीडियो को देखा। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना जरूरी है कि आपकी वीडियो कितने लोगों तक जा रही है, आपका इंप्रेशन कितने लोगों तक जा रहा है। मान लीजिए आपके वीडियो का इंप्रेशन 100 लोगों तक गया, अब उसमें से कितने परसेंट लोगों ने आपके वीडियो को देखा। जैसे कि 1,61,000 लोगों तक गया, जिसमें कि 20,000 लोगों ने यहाँ पे मेरे वीडियो को देखा, जिसमें कि 11.3% लोगों ने क्लिक किया। अब आपकी वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, कितना इंप्रेशन जा रहा है, ये आपको ध्यान से देखना है।
अब मान लीजिए कि किसी वीडियो पे व्यूज नहीं गए, उस वीडियो को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वीक में मैंने डाला 11,000 ही व्यूज गए, तो आखिर ये व्यूज कम क्यों गया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूज नॉर्मल दिखा रहा है, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट कम दिखा रहा है, डाउन दिखा रहा है। तो इस वीडियो पे व्यूज ना जाने का मेन कारण क्या है, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि थंबनेल पे क्लिक नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि हमारा थंबनेल यहाँ पे अच्छा नहीं है इस वीडियो का। और इस वीडियो का थंबनेल आप देख सकते हैं इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट ज्यादा जा रहा है, मतलब कि इस वीडियो का थंबनेल अच्छा है। तो जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, जब आपकी वीडियोज पे व्यूज नहीं जाते हैं, और तीन चीजें आपको देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि व्यूज किस हिसाब से जा रहे हैं। व्यूज यहाँ पे टिक मार्क दिखा रहा है या डाउन दिखा रहा है या अप दिखा रहा है। अगर यहाँ पे अप दिखाता है मतलब कि व्यूज बढ़ रहे हैं, अगर यहाँ पे टिक मार्क दिखाते हैं तो ठीक ठाक व्यूज हैं। यहाँ पे इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट अगर ऊपर दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका थंबनेल बहुत अच्छा है और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके थंबनेल पे क्लिक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे डाउन दिखा रहा है तो इसका मतलब समझिए कि इसका थंबनेल अच्छा नहीं है। उसके बाद एवरेज व्यू ड्यूरेशन, मतलब कि आपकी वीडियो अगर 10 मिनट की है, 9 मिनट की है, तो कम से कम लोग 2 से 3 मिनट देखने चाहिए। अगर यहाँ पे 20 सेकंड या 30 सेकंड देखते हैं तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिक डाउन जाना शुरू हो जाती है। तो ये दोस्तों जो तीन चीजें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं और कहते हैं कि मेरे वीडियो पे तो व्यूज ही नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज और बताता हूं कि अपना इंप्रेशन भी आपको देखना है कि मेरी वीडियो कितने ज्यादा लोगों तक जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1,26,000 लोगों तक ये जो है वीडियो गई है, जिसमें कि 11,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। दोस्तों बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना YT स्टूडियो ही इस्तेमाल करने नहीं आता है। यही समझ में नहीं आता है कि हमारे वीडियो में कहाँ कमी है, थंबनेल में कहाँ कमी है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कहाँ कमी है। अगर आपका इंप्रेशन डाउन जा रहा है, मतलब कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी वीडियो नहीं जा रही है, तो इसका मतलब आप समझिए कि आपने वीडियो का अच्छे तरीके से SEO नहीं किया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया है। जब तक आप वीडियो का अच्छे से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो नहीं जाएगी। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को अगर नहीं पता कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉलिंग नंबर पर कॉल करना होगा। हम आपको खुद बताएंगे या खुद सिखाएंगे किस तरीके से आपको जो है SEO करना है वीडियो का। और भी आपके अगर व्यूज नहीं जा रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो उससे भी रिलेटेड चीजें हम आपको बताएंगे। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी समस्या हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।